इंस्टॉल आ टू चेंज ओवर, दो चेंज ओवर आपने कैसे लगाने हैं? इसके लिए आपके पास जो है वो सबसे पहले तो आपके पास दो वापदा के कनेक्शन होने चाहिए, और एक फर्ज करें आपके पास अगर जनरेटर है आपने जनरेटर लगाना है, या आपने लगाना है जैसे यूपीएस के ऊपर करना है, तो आपके पास जो है वो दो चेंज ओवर और मेन दो मेन सप्लाई होनी चाहिए। पहले चेंज ओवर तो कुछ चेंज ओवर जो है वो कुछ इस तरह का होता है, ये इसके पॉइंट होते हैं 1, 2, 3 और 4, ये चार पॉइंट होते हैं, इसके ऊपर ये नंबर भी लिखे हुए 2, 4, 6 और 8, और इसकी दूसरी साइड पे आप देखेंगे तो ये आपको इसी तरह के चार पॉइंट नज़र आएंगे, लेकिन ये आपस में मिले हुए हैं, ये कॉमन है पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आपके पास ये है आपका पॉइंट, ये हमने कुछ इस तरह डायग्राम बनाए हुए, ये चार पॉइंट हैं 1, 2, 3 और 4, ये चार पॉइंट हमने बना लिए हैं ऊपर नीचे 1, 2, 3 और 4, सॉरी ये इस तरफ बनाए हुए हैं, और ये जो है कॉमन वाले 1, 2, 3, 4 जो दो कॉमन हैं ये हमने इस तरफ बना लिए, इसी तरह हमने ये दूसरे के बना लिए, ये जनरेटर है हमारे पास, ये दूसरे के बना लिए हैं, ये जनरेटर है इसकी है दो तारें, और ये मेन जो है आउटपुट हमने निकाली हुई है, ये वापडा की लाइन मीटर वन की है लाइन, और ये न्यूट्रल है, इसी तरह ये वापडा टू की है लाइन है और ये न्यूट्रल है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि लाइन वापडा वन की जो है न्यूट्रल की वायर जो है वो इसके नीचे लगा देनी है, नीचे वाले पॉइंट में, यानी कि आपने इधर लगाना है, इधर लगाने के बाद जो है वो आपने इसी तरह जो है ये फेस की जो वायर है यहाँ से उठा के यहाँ पे लगाई है, यानी कि ये दो पॉइंट हैं इनमें लगाने हैं, एक में न्यूट्रल लगा देनी है और एक में फेस लगा देना है। इसी तरह वापडा टू जो है ये यहाँ से उठानी है और ये एक इसमें लगा देनी है और दूसरी जो है वो वायर इसमें लगा देनी है, जिस तरह ये मैंने लगाई हुई है, ये आपको आसानी से समझ आ जाएगी इसकी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हमने हमारे पास चेंज ओवर की दूसरी साइड है, आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इधर न्यूट्रल और इधर फेस लगाया है, तो इधर भी आपने दूसरी तरफ इधर न्यूट्रल और इधर फेस लगाना है, यहाँ पे आपने लगाना है न्यूट्रल और यहाँ पे लाइन लगा देनी है, यहाँ पे दूसरी मीटर की न्यूट्रल और यहाँ पे लाइन लगाने के बाद आपने इसकी दूसरी साइड पे न्यूट्रल और लाइन बिल्कुल उसी तरह लगानी है, अगर इधर न्यूट्रल है तो इसके बिल्कुल सामने जो है वो इधर भी न्यूट्रल होनी चाहिए आपके पास, यहाँ से आपने न्यूट्रल की वायर उठानी है, ये दोनों पॉइंट कॉमन है और ये दोनों पॉइंट कॉमन है, इन दोनों में से एक में आपने लगा लेनी है, फ़र्ज करें यहाँ यहाँ पे लगा लें, यहाँ आप यहाँ पे लगा लें, यहाँ से आपने घुमा के चेंज ओवर दूसरे की जो है वो आपने इस तरफ दे दी। बड़ा आसान तरीका है ये, आपको प्रैक्टिकल करके समझाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, इसमें लगा देना है। उसके बाद आपने फिर ये है ये यहाँ से इसको उठाना है, यानी कि इसकी दूसरी साइड से यहाँ से उठा के इसमें इसको आपने घुमा के जो दूसरा चेंज ओवर है ये आपके सामने चेंज ओवर रख देते हैं, ये दूसरा चेंज ओवर है इसकी जो है वो इस साइड पे लगा देना है, यहाँ पे लाइन लगा देनी है और यहाँ पे फेस लगा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जनरेटर की दो वायर लेनी है, जिस तरह ये जनरेटर की वायर है दो, इसको आपने एक को इधर लगा देना है और दूसरी को आपने इस तरफ लगा देना है, यानी कि आपके कनेक्शन इधर भी हो गया और इधर भी हो गया, यहाँ से जो आप वायर लेके आए हैं इसमें से वो आपने इधर लगा देनी, जिस तरह ये इसके ऊपर मैंने स्केच बनाया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कल इसका डायग्राम समझाया था, अब इसका प्रैक्टिकल करने का वक्त है। ये हमने चेंज ओवर जो है ये एक बॉक्स में फिट कर दिया है, ये इस तरह एक हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो लगा हुआ है। तो हमने करना क्या है, अब इसको जो है वो हमने बाहर से जो हम जो मेन वायर लेके आएंगे वो सबसे पहले तो हम जो है वो
चलो यार।